वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। टू का क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री है मेरा, यदि टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, टेन ए प्लस बी बराबर रूट थ्री, ठीक है, और टेन ए माइनस बी बराबर वन बाय रूट थ्री, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो बोल रहा है अगर इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप साबित कीजिए कि ए और बी दोनों का मान निकाल करके बताइए कि दोनों बराबर है, क्या दोनों का मान आएगा, ठीक है। तो हमको करना ये होगा, सबसे पहले जानेंगे कि टेन में रूट थ्री किसका मान होता है, तो वैल्यू आएगा टेन 60 डिग्री का, क्लियर है। टेन 60 डिग्री बराबर रूट थ्री। इसके बाद टेन में एक बटा रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, टेन 30 का। इसका मतलब ये हो गया, जब इस दोनों को हम यूज़ कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पर हम पहुंच पा रहे हैं कि मेरे पास जो वैल्यू दिया गया है, ये नाम का वैल्यू है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इस दोनों के बीच एक समानता बना लो, इन दोनों के बीच, ये ए प्लस बी और 60 और ये 30 और ए माइनस बी, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है इस तरीके से, ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। जब दोनों को आमने सामने लाते हैं, ये दोनों जब आमने सामने आएगा तो सीधी सी बात है, प्लस बी माइनस बी क्या होगा, 10 से। अब मेरे पास रिजल्ट के फॉर्म में क्या बचेगा, 2a बराबर 60 30 90 डिग्री। तो ए कितना हो जाएगा, 2 1 2 45। जब ए मेरे पास 45 आ जाएगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, चूँकि ए बराबर 45 डिग्री। अब हम बात करेंगे बी के बारे में, तो सीधी सी बात है, मेरे पास एक क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर 60, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 60। अब इसमें से ए है 45, तो यहाँ वैल्यू डाल देंगे 45 प्लस बी बराबर 60। इसका मतलब बी बराबर 60 माइनस 45 बराबर बी बराबर 15 डिग्री, ये बी का आंसर आएगा और वो ए का आंसर आएगा, फोर्थ आंसर। आता है चौथा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, मतलब कौन सही है कौन गलत है, ये ऑप्शन बता रहे हैं। मेरे पास इसमें पांच क्वेश्चन दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में पांच ऑप्शन दिए हुआ है, और पांचों में आपको बताना है ट्रू कौन है फॉल्स कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। फार्मूला ये नहीं होता है, फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब यहाँ भी साइन ए के साथ कॉस बी आना चाहिए था और यहाँ भी साइन बी के साथ कॉस ए आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं है, ये वैल्यू भी सही हो जाएगा लेकिन हर एंगल के लिए नहीं होगा, एक आग एंगल के लिए ये सही हो जाएगा। जैसे अगर ए का वैल्यू जीरो रख दें हम, बी का वैल्यू 90 रख दें, तो 0 प्लस 90 कितना होगा, 90 हो जाएगा, मतलब हम सेट करके दिखा रहे हैं, लेकिन सब के लिए नहीं होगा। मान लिया जैसे अगर कोई करेगा साइन 0 प्लस 90 कर दे इसका वैल्यू, तो यहाँ पर जीरो किसको किया, ए को ना, तो यहाँ भी साइन ए क्या होगा, साइन जीरो हो जाएगा, और साइन बी कितना होगा, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो गया, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 0 होता है, और यहाँ 0 90 मिला के भी साइन 90 आएगा, आएगा ना, तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, अपना 0 प्लस 1 भी 1 आएगा। तो ऐसा एक जगह होगा, कब,
जब इसमें से एक एंगल जीरो हो जाए और दूसरा नब्बे हो जाए, बाकी 30 डिग्री के लिए इनवैलिड हो जाएगा, 60 डिग्री के लिए इनवैलिड हो जाएगा, 45 डिग्री के लिए भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा वैल्यू होना चाहिए, हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जो हर जगह वैलिड हो, तो ये हर जगह वैलिड होने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको ट्रू नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ट्रू कब होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो और नब्बे दोनों वैल्यू पर होगा। लेकिन अगर जीरो नब्बे को छोड़ के बाकी बोलते हैं अगर, तो बाकी जगह के लिए वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर फार्मूला को हम इस तरीके से लिख दें, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये वैलिड होगा फॉर वैलिड फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जितना भी वैल्यू है थीटा का सबके लिए वैलिड होगा, तब ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब इसको ट्रू मानना सही नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको ट्रू नहीं मान सकते, ये क्या होगा, फॉल्स बोलेंगे, चूंकि ये हर जगह के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है इसका कि थीटा अगर बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोल रहा है अगर थीटा बढ़ेगा, है ना, ये सवाल है, इफ थीटा इंक्रीज देन साइन थीटा इंक्रीज। अब देख लो, थीटा जीरो है तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो, थीटा 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1/2, थीटा अगर 45 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1/√2, थीटा अगर 60 डिग्री है तो इसका वैल्यू √3/2, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1। तो हम देख रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है ना, और जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है ठीक उसी तरह देख रहे हैं जीरो से बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा और इससे बड़ा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू है। ठीक है, इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, अगर हम इसी चीज को यहाँ पर देख लें, इसी को अगर कंटिन्यू करके तीसरा, ये दूसरा सवाल था, इसी को तीसरा कर दें अगर हम सवाल, तो थीटा वही है, तो ये क्या कह रहे हैं, इसका कहना है कि थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा बढ़ा जा रहा है तो ये बोल रहा है कॉस थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, चूँकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, जब सब पर चेक कर रहे हैं तो हम पाते हैं कि कॉस थीटा का 0 डिग्री पर वैल्यू 1 है, इसके बाद 30 डिग्री पर वैल्यू √3/2 है, जो कि ठीक है घट रहा है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा वैल्यू, ये घट गया, अब इससे भी छोटा वैल्यू आ गया, और ये क्या हो गया 1/√2, अब इससे भी छोटा वैल्यू आ गया, क्या है 1/2, अब इससे भी छोटा वैल्यू आ गया, आगे जीरो, जबकि यहाँ वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहाँ भी बढ़ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं थीटा बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का वैल्यू घट रहा है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं इसके बढ़ने पे यही बढ़ेगा, तो क्या हुआ, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कहेंगे ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा है, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, ऐसा हो सकता है क्या। चौथा सवाल देखने के लिए हम पहले ही दो सवाल को देख लेते हैं, दूसरा में देखिए, थीटा का सारा मान यहाँ जीरो से लेकर 90 तक लिया, फिर यहाँ भी थीटा का सारा मान जीरो से लेकर 90 तक लिया, दोनों में जीरो से लेकर 90 तक है, और यहाँ साइन थीटा का मान, यहाँ कॉस थीटा का मान, तो अब बताओ यहाँ जीरो यहाँ 1 बराबर है क्या, यहाँ 1/2 यहाँ √3/2 बराबर है क्या, यहाँ √3/2 यहाँ 1/2 बराबर है क्या, यहाँ 1 और यहाँ 0 बराबर है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 1/2 यहाँ पर √2 और यहाँ भी देखो 1/√2 और यहाँ भी 45 यहाँ भी 45, इसका मतलब ये 45 डिग्री पर 1/√2 दे रहा है और ये भी 45 डिग्री पर 1/√2 दे रहा है, इसका मतलब ये जो बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, ये बात सही है, लेकिन कब, सिर्फ तब जब थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो देखेंगे कि साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री बराबर कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू आ रहा है 1/√2, तो ये बोल रहा है कि सबके लिए, सवाल में क्या बोल रहा है, सबके लिए, क्या सभी मानों के लिए है, नहीं सभी मानों के लिए नहीं, इसका मतलब ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो कहेंगे फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि सभी के लिए ऐसा है। इसके बाद
आखिरी क्वेश्चन इसका है, ए बराबर जीरो डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं। पांचवा क्वेश्चन है, कॉट ए का वैल्यू कॉट कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। तो कॉट जीरो डिग्री का मतलब सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कॉट जीरो का मतलब कॉट किसका, कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉस बट साइन। तो इसको हम कॉस जीरो बट साइन जीरो में तोड़ सकते हैं। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होगा, देख लीजिए ऊपर है, कॉस जीरो का वैल्यू अभी निकाला गया है, कितना है, कॉस जीरो का वैल्यू वन निकला हुआ है ना, ऊपर वाले सवाल से। तो हम कॉस जीरो का वैल्यू वन ले लिया और साइन जीरो का वैल्यू भी निकाले है ना, साइन जीरो का वैल्यू भी निकला हुआ है, कितना जीरो। तो वन बट्टा जीरो, क्या ये वैलिड होगा, ये वैलिड होता है क्या, ये तो हम लोग जानते हैं अपरिभाषित है। तो ये क्या बोल रहा है सवाल में, परिभाषित नहीं है, सही बोल रहा है, ये भी बोल रहा है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित है ना, या अनडिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ सर, नहीं है तो बोल रहा है ना, ये भी तो बोल रहा है अपरिभाषित है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये भी बोल रहा है, वो तो आप भी बोल रहे हैं परिभाषित नहीं है, अब ट्रू हो गया ना, ट्रू, ठीक है। में है क्वेश्चन नंबर वन, मान निकाले, ठीक है। क्वेश्चन वन में क्या है, पहला सवाल है साइन 18 कॉस 72, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना, पहला का पहला, कुछ नहीं करना है। दूसरा देखो, दूसरा सवाल है टैन 26, टैन 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है कॉट 48 साइन 42, कॉस 48 माइनस साइन 42, साइन 42 डिग्री। और चौथा क्वेश्चन है कॉस से 31 डिग्री माइनस से 59 डिग्री, चार क्वेश्चन मेरे पास है, चारों को हम एक साथ ही टैकल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करें हम, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन में ये देखो 8 2 10 के 0 8 में 1 1 1 2 2 7 9 90 हो गया, यहाँ भी देखो 26 और 64 90 होगा, यहाँ भी देखो 42 और 48 90 होगा, यहाँ भी 59 और 31 90 होगा, मतलब सब 90 पे जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है, इसलिए कि हमारे पास कुछ सूत्र है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे। किसी भी, जैसे मान लो साइन कॉस को लेके हम यहाँ पे एक साइड में फार्मूला लिखते जा रहे हैं साथ साथ, ये फार्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर 90 माइनस थीटा कर रहे हैं साइन के साथ तो कॉस आ रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ कॉस के साथ कर देंगे अगर 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बनेगा। तो इसका इस्तेमाल करके जिसको चेंज करना चेंज कर देंगे, सवाल बन जाएगा। मतलब ये कि अगर मान लो हमको 18 चाहिए तो 18 को तो 18 ही लिखेंगे ना, 18 रुपया अगर किसी को देना है तो अगर सिक्का में दोगे तो 18 सिक्का दे दो तब भी 18 है, 10 का नोट और 5 का सिक्का 2 का सिक्का और 1 का सिक्का दे दो तब भी तो 18 ही होगा, ठीक है ना, और 10 का नोट और बाकी 8 सिक्का दे देंगे तब भी 18 होगा, किसी का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, सब तरह से 18 ही बोलना होगा। या उसी को 20 रुपया किसी को दे दें और बदले में 2 रुपया हमको वापस करना पड़े तब भी 18 ही मिला हमको। तो सिमिलरली क्या करेंगे, जोड़ घटाव करना है हमको। इस 18 को लाने का मतलब है कि अगर साइन में रहेंगे तो इसको कर सकते हैं साइन और 90 माइनस वट, इस 18 को लाने के लिए नीचे वाला घटेगा मतलब 72, 72, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, नीचे जो है वही रहेगा, कॉस 72 है 72 रहेगा, और ऊपर में क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये कॉस
और थीटा, ये साइन क्या होगा, कॉस हो जाएगा, थीटा जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो इसको हम कॉस कर देंगे, और थीटा कौन है, 72 है, इसलिए कॉस 72 हो गया, और नीचे में क्या है, नीचे तो 72 है ही, कॉस 72 है ही, तो कॉस 72, कॉस 72, ये 1 आंसर है, कोई दिक्कत? यस सर, हाँ बोलो, हाँ पहला है, ठीक है, अब आ जाते हैं इसके साथ, यहाँ भी इसी तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है, तो इसका मतलब है इसका ठीक उलट फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, उलट फार्मूला का मतलब कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 10 थीटा, ठीक है, जैसे उसमें किया था, अभी जैसे मैं इसमें ऊपर वाले को चेंज किया, आपकी मर्जी है किसी एक को चेंज कर लो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अब इसमें अगर हम ऊपर वाला वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे हैं 2 मिनट के लिए और नीचे वाला ही वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 10 26 रहेगा 10 26, ठीक है ना, कुछ नहीं किया इसको, लेकिन नीचे वाले को चेंज कर ले रहे हैं, कॉट तो कॉट को कॉट रहने दिया, कुछ किए हैं नहीं किए, मगर ये यूज़ करेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा वट 64 लाने के लिए 90 से कितना घटेगा, 26 घटेगा, तो 90 माइनस 26, इस 90 में से 26 घटा तो 64 आ गया, जोड़ के देखो 10 में से 6 गया 4, ये 8 हो गया, 8 से 2 गया तो 6 आ गया, ये तो ये आ गया इस तरीके से, लेकिन कॉट 90 माइनस थीटा होने का मतलब है ये हो जाएगा 10 थीटा, मतलब कौन सा थीटा, ऊपर वाला अपनी जगह है जैसे था 10 26, और नीचे वाला क्या हो गया, ये कॉट 10 में बदल रहा है और ये माइनस वाला चीज़ यहाँ पे आएगा, तो ये कॉट जो होगा वो 10 में बदलेगा ना, इसको हम 10 कर दिया, और जो माइनस में है, माइनस में कौन है, 26 है, तो ये 26 हो गया, अब दोनों सेम है तो कट गया, जैसे ये दोनों कटा था, ये भी क्या हो जाएगा 1 आंसर, कोई दिक्कत है इसमें, इसके बाद हम और आगे बढ़ने में जा रहे हैं, यहाँ यहाँ पर क्या होगा, ये भी उसी जैसा चीज़ है, ठीक इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो ऊपर लिखा होगा, इसमें किसी एक में वैल्यू को डाल देना, किसी एक में, इसको बदलना हो उसको बदलना हो जिसको बदलना हो, एक काम करो इसमें हम दोनों को बदल कर दिखा देते हैं, ठीक है, जैसे अगर कॉस को बदलना, तो कॉस को बदलना है अगर, तो कॉस को बदलने के लिए 90 माइनस थीटा में जाना पड़ेगा, तब साइन बदलेगा, तो इस कॉस 48 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस वट 48 लाने के लिए 42 घटाना पड़ेगा, 90 में से जब 42 घटेगा तो 48 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, अब इसको कुछ नहीं किए हैं, जैसे वैसे लिख दो माइनस साइन 42 डिग्री, अब ये मेरा क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा, देख लो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस वाला चीज आएगा, तो ये हम लिख सकते हैं साइन 1 साइन 42, ये साइन 42 माइनस साइन 42, तो क्या हुआ, सेम चीज़ है, इससे ये घट गया तो बराबर 0, इसी चीज़ को अभी हम बोले दोनों में करके देख सकते हैं, 2 मिनट के लिए अगर इसमें नहीं करें हम इस चीज़ को, इसका वैल्यू हम किसको किया था चेंज, इसमें हमने वैल्यू चेंज किया था कॉस का, अगर हम कॉस को नहीं चेंज करें तो कॉस 48 अपनी जगह कॉस 48 ही रह जाए, माइनस साइन को बदल जाए अगर, ठीक है, साइन को बदल जाए तो साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे ना हम, साइन 90 माइनस थीटा यानी 42 लाना है, 90 में क्या घटाएं, 48 घटेगा, अब ये मेरा कॉस 48 कॉस 48 ही रहेगा, माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस ये बन जाएगा और थीटा ये होगा, मतलब कॉस 48 तब भी तो 0 आएगा, सेम चीज़ है, तो अब जिसको चाहो यूज़ कर दो, दोनों से वही वैल्यू आने वाला है, इसके बाद एक सवाल और बच रहा है मेरा, एक सवाल क्या है, सेम वही चीज़ है, यहाँ भी सेम फार्मूला, तो यहाँ भी फार्मूला क्या होगा समझ रहे हैं, ये फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ फार्मूला लिख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम अभी करेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, अब जिसमें यूज करना चाहो, अभी दोनों में यूज करके दिखा दिया था,
इसे दोनों यूज करने की कोई जरूरत नहीं, एक कर लेंगे तो हो जाए। समझाने के लिए दोनों क्या था, है ना। तो कॉसेक को अगर हम कॉसेक छोड़ देते हैं, कॉसेक 31 मैंने दिया माइनस, इस सेक को क्या करें, सेक को सेक है लिख दिया, 59 नहीं लिखेंगे, 59 को 90 माइनस वट, 59 लाने के लिए 90 से 31 घटाना पड़ेगा, तो 31। अब मेरे पास क्लियर है रिजल्ट, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉस सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक और थीटा हो जाएगा 31, सेम चीज़ है ना, कैंसिल कैंसिल, बराबर वैल्यू जीरो। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें साबित करना है, जिसमें आंसर हमको देखना नहीं होगा, LHS को RHS के बराबर लाना होगा, प्रूफ होगा। तो यहाँ दिया होगा 1048, 1023, 1042 और 1067 बराबर 1। इसमें भी जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वो फॉर्मूला हमको पता है कौन सा, टेन थीटा और गुने कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अगर सेम वैल्यू, यहाँ भी थीटा है यहाँ भी थीटा है, इसीलिए अगर इसको हमको यूज़ करना है तो इसका मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, 48 और 23 काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक वैल्यू हमको चाहिए, अगर थीटा है तो थीटा हो, अब अगर यहाँ थीटा है, अगर यहाँ पर कोई थीटा को बीटा कर देगा फिर काम नहीं करेगा, सेम वैल्यू चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पर जैसे क्या लिखा है थीटा, तो यहाँ भी लिखा है थीटा। तो हमको कुछ ऐसा करना होगा कि जो एंगल टैन के साथ है वही एंगल कॉट के साथ भी आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, पहले पेयर पूरा कर लेंगे, 1048, ठीक है ना। तो 1048 अपनी जगह 1048 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 48 का जोड़ा जो 90 पुराएगा वो कौन है, ये है 42, लेकिन ये 10, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, 10 को क्या लिखा जा सकता है, 10 बराबर 1/cot, ठीक है ना, लिख सकते हैं, या फिर 1/cot कर सकते हैं तब वो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हम जो फार्मूला पहले यूज़ किया था, 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, याद है, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे तो मेरा काम चलेगा। अगर 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस कोई, जैसे कि 42 है, यूज़ कर लिया, ठीक है ना, 90 माइनस 42 यूज़ करेंगे, 42 नहीं 48, कौन 48 क्यों, 48 इसलिए यूज़ करेंगे हम कि हमको 48 वहाँ पे नहीं लाना है, मेरा 10 42 है, वो जब इसको घटाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली 42 हो जाएगा। देख लो इसको, ये 10 10 8 2 और 8 4 4 आ गया ना 42 डिग्री। ये तो मेरा, हम ये कह सकते हैं 10 42 क्या है, 10 90 माइनस 48 है, ठीक है ना। और अगर ये 90 माइनस 48 है तो ये 90 माइनस 48 जो भी होगा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह 90 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 48 डिग्री हो जाएगा ना। इसीलिए इस 1042 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, कॉट 1042 को 1090 माइनस 48 और ये बराबर कॉट 48 हो जाएगा ना, इसको कर सकते हैं कॉट 48 डिग्री। तो ये वाला मेरा हो गया और ये वाला मेरा हो गया, दोनों एक साथ ले आए। इसके बाद कौन है मेरे पास, इसके बाद है 1023, हम इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे। इसका 1023 और इधर कौन है, 67। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम इस वैल्यू को 67 करते हैं, 1067, तो 1067 किससे निकलेगा पता है, 1067 लाने के लिए 90 से क्या घटेगा, 23। अब देख लिए 90, 10 में से 3 गया तो 7, 8 में से 2 गया तो 6 आ रहा है ना, ये आएगा तो ये आएगा, अगर ये आएगा तो फिर ये होगा, है ना। तो उसके हिसाब से 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, तो 90 माइनस 23 तो ये भी 23 हो गया, कॉट 23 होगा ये। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को यूज़ करके, क्या लिख सकते हैं, ये 1023 तो अपनी जगह था जैसे वैसे रह गया, लेकिन ये जो वैल्यू है 1067, उसको यहाँ क्या ला रहे हैं, 1067 को कॉट 23
थ्री डिग्री। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किस फॉर्मूला पर। यहाँ जो टेन है वही एंगल थीटा के साथ अगर आ जाए, जो एंगल टेन के साथ है वही एंगल थीटा का कॉट के साथ भी हो, टेन और कॉट दोनों का एंगल ठीक हो, एक ही हो, तब क्या आएगा वैल्यू, वन आएगा। क्लियर, तो यहाँ देख लीजिए दोनों का वैल्यू एक ही है ना, टेन कॉट या भी टेन कॉट एक ही वैल्यू है। इसका मतलब हम इसको या तो इतना पर ही कर सकते हैं प्रूफ, नहीं तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, टेन फोर्टी एट को टेन फोर्टी एट रहने दिया, कॉट फोर्टी एट का मतलब एक बट्टा टेन फोर्टी एट हो जाएगा ना इस फॉर्मूला से। पहले जो लिखे हुए थे यहाँ पे टेन थीटा बराबर एक बट्टा कॉट थीटा, ये भी तो आ सकता है ना, वही ले लिया यहाँ पे। इसी तरीके से ये टेन ट्वेंटी थ्री है, ये क्या हो जाएगा एक बट्टा टेन ट्वेंटी थ्री। अब तो क्लियर है ना, ये दोनों कैंसिल और इसमें ये दोनों कैंसिल, मतलब वन इंटू वन गुने में है ना, गुने वन बराबर क्या वन प्रूफ। ठीक है, हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे वाले सवाल की तरफ, दूसरा सवाल इसमें ये क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये सीधा सीधा फार्मूला है। आपको बोले थे कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस एक साथ कब आएगा, जब फार्मूला कॉस का होता है, साइन वाले में मिक्स आता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी करके आता है। ये कॉस कॉस एक साथ साइन साइन एक बात, मतलब ये फार्मूला साइन का नहीं है, ये फार्मूला कॉस का है। अब कौन सा फार्मूला कॉस का है, ये फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर ये है माइनस अगर है तो ये क्या होगा, पहली बात कॉस कॉस और साइन साइन एक साथ है तो ये फार्मूला कॉस वाला है पहली चीज। दूसरा अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस में है तो यहाँ प्लस आएगा, ए प्लस बी बनेगा। तो उसके हिसाब से ए बी कौन है यहाँ पर, अड़तीस और बावन है, बाकी फार्मूला सेम है, तो हम कर सकते हैं इसको कॉस अड़तीस प्लस बावन यानी कॉस थर्टी एट प्लस फिफ्टी टू डिग्री, अड़तीस और बावन यानी थर्टी एट और फिफ्टी टू मिला के कितना होगा कॉस नब्बे, कॉस नाइन्टी, और कॉस नाइन्टी का वैल्यू क्या होता है जीरो। कोई दिक्कत, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस अठारह दिया हुआ है तो ए का वैल्यू निकालना है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं टेन नाइन्टी माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, या फिर अगर कॉट नहीं निकालना है तो हम कह सकते हैं कॉट नाइन्टी माइनस थीटा बराबर, नाइन्टी माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसी थीटा का वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस कर दें, ठीक है क्या कर दें रिप्लेस कर दें मतलब बदल दें, तो ये मेरा टेन थीटा नहीं लिख करके टू ए लिख दे रहा है, क्या कर दे रहा है टू ए, टू ए टेन टू ए कर दिया, तो टेन टू ए बराबर क्या होगा यहाँ कॉट नब्बे माइनस थीटा की जगह टू ए, टू ए है ना माइनस, तो टेन टू ए को ये लिख सकते हैं है ना। अब इसी काम को यहाँ यूज कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे टेन टू ए नहीं लिख करके टेन सॉरी कॉट नाइन्टी माइनस टू ए लिखे, तो ये हो जाएगा मेरा cot 90 माइनस 2a बराबर कितना, यहाँ क्या है cot a माइनस 18 है ना, जब ये दोनों बराबर हुआ तो कोई चीज कटने वाला है दोनों में, यहाँ cot कैंसिल, अब यहाँ से मेरे पास आ गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, इसका मतलब a को इधर ले आते हैं या उधर ले आते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस टू ए, और उधर का ए जब इधर आएगा तो वो भी माइनस होगा माइनस ए बराबर, ये पहले से माइनस अट्ठारह है ही, और ये नब्बे जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस नब्बे, ये बराबर हो गया माइनस एक सौ आठ, और ये हो गया माइनस थ्री ए, तो पहली बात क्या कटेगा माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो हम यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, कैंसिल थ्री बन जाए थ्री और थ्री थ्री जा नाइन और थ्री सिक्स जा एटीन, मतलब ए बराबर थर्टी सिक्स डिग्री
एंगल आएगा, ये कितना आ गया 36 डिग्री ऑफ द आंसर।